हेलो, अभी तक सो रही है? तूने टाइम देखा है कितना हुआ है? दिल्ली जाकर ना तो बिल्कुल बिगड़ गई है। तूने जरूर रात में दारू शारू पी होगी, पार्टी शार्टी की होगी। ओ मॉम कम ऑन, सुबह सुबह कलेश ना करो। और आपको कैसे पता लेट उठ रहे हैं तो पार्टी कर रहे होंगे? अरे मैं सौतेली माँ हूँ, पर ये मत समझना कि मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी। सन्नी मुझे सब बताता रहता है तेरे बारे में। क्या बता रहा था वो? जो ना तूने सैटरडे को पार्टी की थी और तूने उल्टियाँ की थी सुबह 3 बजे, मुझे सब पता है उसके बारे में। अच्छा, वो ऐसे बोल रहा था? अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। उसकी तो खबर तू बाद में लियो, पहले वो सुन जिसके लिए तेरे को मैंने फोन किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मॉम सनी मुझसे मजे लेने के लिए आपसे मजाक करता है, मेरे बारे में झूठ बोलता है और आप सच समझ लेते हो। क्या? अरे वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि मैं भी उससे मजे लेने के लिए अंकल से झूठ बोलती रहती हूँ। आपको पता नहीं बहुत बड़ा कमीना है ये। कमीने तो तुम दो नहीं हो। अब की बार उसका फोन आया ना अच्छे से खबर लूंगी उसकी। खैर छोड़ो, क्या बता रही थी आप? अरे वो लवली आंटी कनाडा वाली। कौन? ओ लवली आंटी। हाँ उसका ना भतीजा आ रहा है इंडिया। तो वो तेरे पास ही ठहरेगा। ओके क्या? अरे कोरोना के चक्कर में ना उसकी नौकरी चली गई कनाडा में, इसलिए अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए आ रहा है कनाडा से। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ क्यों ठहरेगा? इतने सारे होटल हैं, वहाँ कहीं रुक जाए। मेरी बेटी ना एक नंबर की झल्ली है। अरे अपनी उम्र देखी है, 26 की हो गई है, और तुझे ना अपने लिए तो लड़का देखना नहीं है, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हो? ज्यादा ना भोली मत बन, मुझे पता है कि तू सब समझ गई है। वो कनाडा वाला, आप मेरी और उसकी शादी के बारे में? तुझे पता है बाप ना विदेशी है और माँ इंडियन, पर लगता एकदम अंग्रेज जैसा है और हिंदी भी बहुत अच्छी बोलता है, पता है? तो बस तू समझ जा। अरे मेरी बात तो सुन। ओफो ये लड़की ना, चल। चल रहा था ये? और ये कौन सा कनाडा वाला जिसके यहाँ पे ठहरने की बात हो रही थी? यार तू कुछ ना कुछ, ये मम्मी ने ना स्यापा कर दिया है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। स्यापा? कैसा स्यापा? कनाडा से एक लड़का आ रहा है यहाँ रहने के लिए, जिससे मम्मी मेरी शादी के सपने देख रही है, आधा अंग्रेज आधा इंडियन। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। देख हमारी कोई डील हुई थी यार, तू चीटिंग कर रही है। यार तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं उसे अपनी मर्जी से बुला रही हूँ यहाँ पर। बताया ना मम्मी भेज रही है उसे यहाँ पर। तो मना कर देना उनको। तू तो ऐसे कह रहा जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। तुझे पता है ना मम्मी कैसी है? Yes. Hi. I'm Roger. Oh, आइए आइए। You just sit, I just come back. Yeah, sure. Hi, how are you? I'm Ria. Hi, I'm Roger. I'm doing great. Sit. Yeah, sure. This is Sunny, my roommate, and Sunny, this is Roger. आप भी बैठे ना? Wow, आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। Actually, I'm born and brought up from Canada. उसके बावजूद भी I'm very indulged Indian community. I love Bollywood films and I love Indian classical music. भंगड़ा ही पसंद होगा फिर तो आपको? Yeah, of course. कुश्ती भी? क्या? Sorry, मैं पानी के लिए भूल गई। It's okay, I'm all okay. Oh. Yes, auntie. Yes, I reached. Haha, Ria bhi yahi baithi hai. Kaun, ma? Yeah, she wants to talk. Hello? Haan, ma. Sun, mehman ki na acche se khatirdari karna. Theek hai. Aur beta, samajh rahi hai na? Haan.
अरे नूडल्स क्यों बना रही है? शाही पनीर बना, मटर पनीर बना, मुगलई कोफ्ते बना। धीरे बोल सनी धीरे। मैं धीरे नहीं बोल सकता हूँ अब। देख रिया, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर अब तूने और आंटी ने ये डिसाइड कर ही लिया है ना कि उसमें से कनाडा को अब यही ठहराना है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन रूम शेयर नहीं करूंगा मैं उसके साथ। समझ में आ रहा है ना तुझे? दैट्स फाइनल। आपका रूममेट किधर है? वो लंच नहीं करेगा? नहीं, उसके पेट में पेन है, कॉन्स्टिपेशन। आप खाइए ना। वाओ, नूडल्स। आपको कैसे पता कि मुझे नूडल्स बहुत पसंद है? मम्मी ने बताया था। और क्या बताया था मेरे बारे में? नथिंग। मुझे तो आपके बारे में बहुत पता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आपकी मम्मी और मेरी मम्मी की बातें होती रहती हैं, तो शेयर कर लिया होगा। So, what you teach? Political science. Great. अभी कोविड की वजह से कॉलेजेस बंद हैं, इसलिए वर्क फ्रॉम होम। या मेरी भी जॉब चली गई है। Now I'm planning to set up a new business here. एक क्लाइंट से मीटिंग है, देखते हैं अगर काम बन जाता है। कब मिलना है? आज ही, he will meet me at, sorry. या दिस एड्रेस। ये एड्रेस तो यहाँ से काफी दूर है। यू कैन गो बाय कैब या फिर मेट्रो से चले जाइए। नो, आई विल बुक अ कैब। एक्चुअली आई एम बिट कॉन्शियस अबाउट क्राउड। कब जाना है? सनी, दरवाजा खोल। सनी, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। सनी, क्या है? वो चला गया। क्या? वो चला गया? झूठी, तूने तो कहा था कि वो चला गया। सूटकेस तो उसका यहीं रखा हुआ है। यार, वो क्लाइंट से मिलने गया है। देख लिया, वो किसी से ही मिलने के लिए आया है या वो किसी से ही मिलने के लिए गया हो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसको ये रूम शेयर करने नहीं दूंगा। यार, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो सिमी आंटी का भतीजा है। अगर मैंने उसे यहाँ रहने से मना कर दिया ना, तो आंटी को बुरा लग जाएगा, और अगर आंटी को बुरा लग गया ना, तो मेरी माँ मुझे जीने नहीं देगी। तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे मिस्टर कनाडा पसंद आ गया? यार बकवास ना कर, वो मेरा टेस्ट नहीं है। ओहो, हैंडसम लड़कों को देखकर ना अच्छे जो के टेस्ट बिगड़ जाते हैं। अच्छा, तो तू कर लेना उससे, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं मम्मी को बोल दूंगी वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। पागल हो गई है क्या? यार सनी, सनी देख, तू मेरा अच्छे वाला दोस्त है, कर लेना कुछ दिन एडजस्ट। देख, मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कनाडा वाले सोचेंगे कि इंडिया वाले गेस्ट की इज्जत नहीं करते। देख, तू कहेगा तो तेरे कपड़े धुल दूंगी, सुखा भी दूंगी। यार प्लीज, मान जा प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। और अपने उस मिस्टर कनाडा को बोल देना केवल कुछ दिन यहाँ पे टिकेगा, और अगर तुम नहीं बोल पाई ना, तो मैं बोल दूंगा ये बात। अरे यार, मैं बोल दूंगी, प्लीज। थैंक यू सो मच। I'm leaving for work. इतनी जल्दी? Yeah, I have a 3 meetings. कब तक आओगे? मैं भी लेट हो जाऊं। डिनर भी नहीं करोगे क्या? Let's see. ठीक है। अरे, कहाँ है आज तेरा मिस्टर कनाडा? सो गया, थक गया होगा ना। सो गया इतनी जल्दी? वैसे इतना बुरा भी नहीं है लड़का। क्यों? ओ हो, मतलब हमारी मिस इंडिया को मिस्टर कनाडा पसंद आ ही गया, और आए भी क्यों ना, शादी की जो उम्र हो गई है तुम्हारी। देख सनी, उसे लेकर कोई मजाक नहीं। वैसे कैसे लगे उसको तेरे हाथ के नूडल्स? सनी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी उसे लेकर फिर से कोई मजाक करा तूने। अरे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो पूछ ही सकता हूँ। बाय द वे, मैं अभी ना लेटे लेटे एक बात सोच रहा था कि शादी के बाद तू कनाडा सेटल हो जाएगी, तो कनाडा सेटल होने के बाद मेरा भी वहां पर सेटलमेंट करा दियो यार।
सनी तो नहीं मान रहा ना, तू खा मैं नहीं खा। अरे छोड़ के मत जा। अरे ठीक है मत उठ के जा, नहीं छेड़ रहा बैठ जा। वैसे एज क्या होगी उस मिस्टर कनाडा की, मतलब तुझसे तो छोटा ही लगता है। पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या शादी के अलावा? अरे तू ना सच में जल्दी है। अरे इतना अच्छा रिश्ता है, कोई मना करता है? देख लड़का भी हैंडसम, गोरा चिट्टा, और जरा सोच तेरे बच्चे भी ना गोरे चिट्टे पैदा होंगे। तो बेटा मेरी बात समझ और अपना मन बना ले। फिर कर देता फोन। रिया, 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 उठ। आंटी का फोन है। कब से तेरे मोबाइल पे फोन कर रही हैं? और तू घोड़े बेच के सो रही है। ये ले आंटी मेरे फोन पर है अब। हेलो रिया, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? मैंने तुझे कितने सारी कॉल किए। क्या हुआ माँ, इतना घबराते हुए क्यों बात कर रही हो? बेटा तेरे पापा को ना सुबह 4 बजे चेस्ट में पेन हो गया था। क्या पापा ठीक तो है ना? अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रही है? क्या बात कर रही हो माँ, पापा है वो मेरे। मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो, डायरेक्ट मैं वहीं पर आऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पापा की थोड़ी तबीयत खराब है। तू ऐसा कर, चंडीगढ़ का टिकट बुक कर दे मेरे लिए यार। मैं भी चलता हूँ ना तेरे साथ। तू पागल है क्या? तू क्या करेगा? रोजर है यहाँ पर, वो क्या अकेले रहेगा? कुछ तो सोच। क्या हुआ? कुछ नहीं, पापा की थोड़ी तबीयत खराब है तो मुझे भी निकलना होगा। ओह वो तो बहुत दूर रहते हैं ना। हाँ फ्लाइट से 1 घंटा लगेगा। एक दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। मैं चलूं तुम्हारे साथ? रॉजर तुम्हारी मीटिंग है यहाँ पर, तुम अपना काम क्यों खराब कर रहे हो? एक दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। Are you sure? Yeah, sure. सुन मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला हूँ, मैं अभी अपनी टिकट बुक करा रहा हूँ तेरे साथ। देख तू पागल मत बन, मम्मी ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं है, तो बस टिकट बुक कर दे, मैं फटाफट नहा कर आती हूँ। अरे रिया सुन तो। सुन टिकट बुक हो गई है, कुत्ते कमीने मुझे नहाने तो देता। बाय, हैप्पी जर्नी। भूख नहीं लगी तुम्हें? हाँ लगी तो है। तो सोच क्या रहे हो, जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ, मेरे लिए बना देना। हद की बात है, तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना भी नहीं आता, कुछ तो सीख लिया होता। Busy? Little bit. Can I ask you a question? No. Sure. मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? ऐसा तुमसे किसने बोला? I have seen in your eyes.
ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना नहीं सोचता। एंड बाय द वे, लोग फुट, पाम, फोरहेड रीड करते हैं, कनाडा वाले क्या आईज रीड करते हैं? आईज रीड करने में क्या मुश्किल है, वो तो आप ही रीड कर सकते हो। चलो मेरी आईज देखो और बताओ। क्या बताना है? यही कि मैं आपको लाइक करता हूं या डिसलाइक, शर्माओ मत। आई कांट रीड। क्यों? ट्राई करने से पहले ही हार मान ली। ऐसा कुछ नहीं है। ओके आई कैन ट्राई। आई फॉरगॉट, मेरा एक फोन कॉल आ रहा है। डिनर मैंने बाहर से ऑर्डर करवा दिया है। Cause I was feeling tired. Yeah, sure. Oh, you like Jeff? Yes. So, क्या आपका boyfriend है? Boyfriend? Yeah. I was not expecting this. Seriously, you know? क्यों? मैंने क्या wrong question पूछा? नहीं, question सही है, but I was not expecting this from your side. Actually, I'm single. Single? That's strange. क्यों? Strange वाली क्या बात है इसमें? Cute हो, fun loving हो, I personally think कि तुम्हें single नहीं होना चाहिए। अभी मार्च एंडिंग में ही ब्रेकअप हुआ है। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन ने सबकी सच्चाई सामने ला दी, कौन किसका कितना अपना है, कितना पराया। और अब मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि सिंगल रहने से एटलीस्ट आप किसी को ये हक नहीं देते कि कोई आपकी आंखें नम कर जाए। Yes, you are right. Same situation मेरे साथ भी हुआ। Actually, he was my colleague and we had 3-year relationship. पहले पहले तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक वो चेंज हो गया। He said that he don't want to continue this relationship. I really don't know why. It means तुम भी? Yes, same. इसमें स्ट्रेंज वाली क्या बात है? नहीं, स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, बट हैव यू टोल्ड रिया अबाउट इट? ओह, रिया? रिया ने कभी मुझसे पूछा नहीं, तो मैंने उससे बताया नहीं। बट व्हाई यू आस्क द क्वेश्चन? व्हाई आर यू लाफिंग? रिया की मॉम तुम्हारे और रिया के रिश्ते के बारे में सोच रही है। तो फिर रिया ने क्या कहा? रिया क्या बोलेगी, वो अभी शादीवादी में इंटरेस्ट चढ़ी नहीं है। Hey, let's dance. Dance? नहीं नहीं, dance वांस नहीं आता है। Babes, I'll teach you. Come on. नहीं 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 नहीं, it's okay. Come on, I will teach you.
हाँ रिया। ओह तू नहा रहा है? मैं तो कब से नहा रहा हूँ। और रॉजर कहाँ है? रॉजर मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन। हाँ। कॉफी बना देगी क्या? अच्छा बाहर से थककर मैं आई और कॉफी मैं ही बनाऊंगी। बना देना प्लीज यार। अच्छा चल ठीक है मैं बना रही हूँ। थैंक यू। Yeah, what a pleasant surprise. You're back. तुम कहाँ थे? मैं बालकनी में था। अभी नहाए हो? हाँ जस्ट अभी नहाकर आया हूँ। तुम और सनी काफी लेट नहाए हो, आज मीटिंग नहीं थी। आज मीटिंग नहीं थी। तुम कॉफी क्यों बना रहे हो? मैं बना देता हूँ। No, it's okay. अरे बाबा टेक रेस्ट, मैं बना देता हूँ ना, कोई बात नहीं है। थैंक यू। वाओ कॉफी बनवाई मैंने और पी रहा है कोई और। अरे आपके लिए तो बनाई है, आप जो इतनी लेट आए नहाकर। और तुम्हारा फोन कहाँ है? कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। मेरे फोन को क्या होगा, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है, सुबह से इतने फोन कॉल्स आ चुके हैं। बाय द वे अंकल की तबीयत कैसी है? He's fine now. चेस्ट में थोड़ा पेन था और तुझे तो पता ही है मम्मी जरा जरा सी बातों में घबरा जाती है। ओह मैं तो भूल ही गई, मुझे लॉगिन करना था, मैं चली लॉगिन करने। क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो? जब मेरा खुद से बातें करने का मन करता है तो मैं अक्सर यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। तुम भी बैठो। मैंने आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। Is everything fine ना? Yeah, everything is fine. तुम बताओ यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। You both are awesome. And सनी ठीक था ना तुम्हारे साथ? उसने कोई फाइट वाइट तो नहीं की तुम्हारे साथ? No, ऐसा कुछ नहीं हुआ। He was fine with me. Thank God. इसका मतलब तुम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। हाँ। तो फिर आगे क्या सोचा है? About business? Meeting is positive direction में जा रही है। I hope so that I will definitely do something here. And शादी कहाँ करोगे? Like यहाँ की लड़की से या फिर कनाडा की लड़की से? सच बताऊँ जब तक बिजनेस का कुछ सेटअप नहीं हो जाता तक तो शादी का कुछ नहीं सोचा है। That's the great decision. एक मेरी माँ को देखो, मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, जबकि 50 बार उन्हें बोल चुकी हूँ कि जब मुझे लड़का मिलेगा मैं खुद बता दूंगी, लेकिन नहीं, मेरे लिए लड़का ढूंढती रहती हैं।
सानी, ये सब क्या है? तुमने प्लोस के बीच में क्यों रखा हुआ है? Actually, I forgot that you are already someone's property. Hey, what are you saying? I'm saying absolutely correct, Roger. दरअसल मैं भूल गया था कि तुम यू आर गेटिंग मैरिड टू रिया. What? ये तुमसे किसने कहा? इसलिए तो अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम बाहर रिया के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे. Oh my God, सनी ऐसा कुछ नहीं है. देखो रॉजर, पाइल ऑन मत करो. I'm not the person who used to have these kind of flirty things. मुझे अच्छा नहीं लगता. सनी, मेरी बात सुनो. मुझे कोई बात नहीं सुनी है रॉजर. I want clear answer. So you want clear answer? आज भी लेट उठी. 11 बज रहे हैं. मैंने नाश्ता बना दिया, रॉजर को भी खिला दिया. वो अपने काम के लिए निकल भी चुका है, बट वो बोल के गया कि आज रात को लेट आएगा, 11 बज जाएंगे. सनी, तो कहीं और फ्लैट देख ले. व्हाट? हाँ, पागल वागल हो गई है क्या यार? रात को कोई बुरा सपना देख लिया तूने? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू. व्हाट हैपेंड? मैं भी तुझे से बात कर रही हूँ, तो कहीं और फ्लैट देख ले. क्या हो गया रिया? 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, फिर अचानक ये सब? ओ, वो मिस्टर कैनेडा अब यहाँ ठहरने वाला है इसलिए. तुझे उससे क्या? फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट मेरे नाम से है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ पर रह सकती हूँ. साफ साफ बोलना, तुझे सोना है उसके साथ. सनी, ठीक ही तो बोल रहा हूँ. पहले सब कुछ ठीक था, जब से वो आया है मिस्टर कैनेडा, तेरे तो तेवर ही बदल गए हैं. वैसे भी आंटी ने भी बोली दिया होगा कि अगर रॉजर को यहाँ रखना है तो सनी को यहाँ से निकाल दे, ताकि तुम और रॉजर ठीक से रह पाओ यहाँ पर आराम से इस फ्लैट में अकेले. तुझे ये समझना है तो यही समझ ले. वाह रिया, वाह, मान गए. 5 साल की दोस्ती को तूने प्यार के पीछे लात मार दी. लात मैंने नहीं मारी, तूने धोखा दिया है मुझे, अपने चक्कर में उसे ही फंसा लिया. क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं कर रही, कल रात अपनी आंखों से देखा है मैंने. वो तो सीधा है, तूने जो कहा उसने कर दिया.
तलाशी ले ले कहीं भाग तो ये इल्जाम लगाए कि मैं घर से तेरा कुछ लेकर चला गया। Sometimes we don't get the chance. रिया जाने से पहले एक बार मिलेगी भी नहीं। Well it doesn't always come when a dream sleeping or awake, do they know the love they gave? The dreams that I had last night will only get me through today. The words that you hear now are coming from my heart. I can tell and I can see that you're looking back at me. You were more than just a friend. There can never be an सनी कहाँ है? तुम तो आज लेट नाइट आने वाले थे ना? हाँ, आज 3 मीटिंग थी बट एक मीटिंग कैंसिल हो गई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कॉफी लेकर आती हूँ। I don't know what happened to Sunny. मैंने उसको कितने कॉल किए लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ये देखो वो भी कॉल पिक नहीं कर रहा। What happened to him? तुम डिनर में क्या खाओगे? ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए लेमन चिकन बनाती हूँ। ये मैं सनी के लिए फाउंटेन पेन लाया था। सनी को फाउंटेन पेन बहुत पसंद है ना? बोल रहा था कि आजकल मार्केट में मिलता ही नहीं है तो मैंने ढूंढा, मुझे मिला। अच्छा किया ना? हाँ
रिया क्या हुआ, तुम कुछ नाराज सी लग रही हो। रिया आई एम आस्किंग यू समथिंग, सनी कहाँ है? कुछ बताकर गया होगा ना? मुझे क्या पता सनी कहाँ है, और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज ही इज योर फ्रेंड एंड आपका रूममेट भी है वो। रूममेट था, अब नहीं है। रूममेट था अब नहीं है मतलब? सुबह तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, ये अचानक आपको क्या हो गया? तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना उसके यहाँ ना होने से। एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने मेरे कारण उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। हाँ मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया है। लेकिन क्यों रिया? रिया जस्ट टेल मी व्हाई आर यू सो साइलेंट? बिकॉज ही वॉज डिचिंग मी। डिचिंग? हाउ ही डिच्ड यू? तुम नहीं समझोगे रिया, साफ साफ कहो, ये मैटर बहुत सीरियस है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मी। नो इट इज नॉट रिलेटेड टू यू, इट इज बिटवीन मी एंड सनी। रिया सुनो, साफ साफ कहो, अदरवाइज आई एम लीविंग। साफ साफ सुनना है तो सुनो, तुम्हारे और सनी के बीच जो चल रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सनी का तो मैं मानती हूँ कि वो बॉयज में इंटरेस्टेड है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने मन बना लिया था, तुम ऐसा करोगे? रिया क्या तुमने मुझे एक बार पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? तुमने पता नहीं अपने मन में मेरे लिए क्या क्या सोच लिया। कल की तुम्हारी बात से मुझे लगा दैट यू आर इन लव विद मी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको अपने और सनी के रिलेशनशिप के बारे में बताऊं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट लाइक यू एज अ फ्रेंड। रिया दोस्ती का रिश्ता प्यार से बढ़कर होता है, एंड आप बहुत खुश नसीब हो, आपकी लाइफ में सनी जैसा दोस्त है। रिया प्यार में तो अक्सर दिल जुड़ते और टूटते रहते हैं, लेकिन दोस्ती में कभी दिल नहीं टूटता। पता है सनी आपको कितना लाइक करता है, कितना चाहता है, कितना मानता है वो आपको। ही इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, विदाउट योर फ्रेंडशिप। रोजर चलो कैब बुक करो। क्यों? सनी को लेने जाना है। लेकिन आपको क्या पता कि सनी इस टाइम कहाँ होगा? मुझे पता है वो कहाँ होगा। Your whisper was clear. One day मैं कहाँ है तेरा? तुझे इससे क्या? चल घर चल। क्यों चलूँ मैं घर? धक्के मार के निकाला था ना मेरे को। तो तू क्यों आया यहाँ? लड़ लेता मुझसे। मैं क्यों लड़ू तेरे से? जाओ उसमें से कनाडा के पास। वो मेरा नहीं, तेरा वेट कर रहा है। मेरा वेट कर रहा है? मेरा क्यों वेट करेगा वो? यार हो गई गलती, माफ कर दे। सॉरी, प्लीज सॉरी। चल घर चल, तुझे तेरा लव मुबारक। चल लव मुबारक तुम्हें भी। अरे नूडल्स क्यों बना रही है? शाही पनीर बना, मटर पनीर बना, मुगलई कोफ्ते बना। धीरे बोल सनी धीरे। मैं धीरे नहीं बोल सकता हूँ, अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है यार। अच्छा ठीक है, अब अगर तूने और आंटी ने फैसला कर ही लिया है ना कि उस मिस्टर कैन को यहाँ ठहराना है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रूम शेयर नहीं करूँगा। दैट्स फाइनल। देख तू मेरा अच्छे वाला दोस्त है, तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? देख कर ले कुछ दिन एडजस्ट, अगर तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कनाडा में इंडिया का नाम बदनाम हो जाएगा। वो सोचेंगे कि झूठ मूठ का ये सत्य मिल जाए थे। अतिथि देव भव। Are
they sleeping or awake? Do they know the love they gave? The dreams that I had last night will only get me through today. The words that you hear now are coming from my heart. I can tell and I can see that you're looking back at me. You were more than just a friend. There can never be